हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो ये बिग अपडेट है पारा शिक्षकों के लिए। अगर 24 तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 25 से वो लोग आंदोलन शुरू कर देंगे, क्योंकि वार्ता बार बार विफल हो जा रही है। उन लोग का जो बैठक बार बार हो रहा है और सफल नहीं हो रहा है, सिर्फ बैठक का खेल हो रहा है, तो ये लोग भी परेशान हो गए हैं। क्योंकि बैठक बार बार होने से क्या फ़ायदा है, जब उसका सकारात्मक पहल ही नहीं हो, सकारात्मक उस पर विचार ही नहीं हो, सकारात्मक उसका परिणाम भी नहीं हो। तो अब पारा शिक्षक जो है आर पार के मूड में आ गए हैं, सिर्फ आश्वासन और आश्वासन, इसके सिवा कुछ नहीं। उन लोग का मानदेय और वेतन में जो 6,000 तक बढ़ाने की बात थी, इसका पहले भी मैं दो तीन वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। एक बार में 6 तक चर्चा हुआ था कि 6,000 तक मानदेय बढ़ जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा बैठक हुआ तो उसमें 2,000 में आके अटक गया सरकार। चलिए देखते हैं आगे क्या है, उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। 2,000 जो मिल रहा था उसमें ये जो पारा शिक्षक संघ तैयार नहीं हुए, और क्यों तैयार होंगे, कोई चीज़ होता है ना। मान लो 6,000 का बात है, 2,000 में 1-2,000 कम बेसी एडजस्ट कीजिए, लेकिन कुछ नहीं। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम खुला पत्र लिखकर वार्ता का खेल बंद करने की मांग की। खुला पत्र लिखा मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि 24 अगस्त तक सरकार मांगों को पूरा करे, नहीं तो 25 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। वहीं 27 अगस्त से मुख्यमंत्री आवास के समक्ष पारा शिक्षक अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करेंगे। मोर्चा ने वेतनमान के समतुल मानदेय सहित विभिन्न मांगों की पूर्ति 24 अगस्त तक करने का अल्टीमेटम दे दिया। मोर्चा के विनोद बिहारी महतो, संजय कुमार दुबे, विनोद तिवारी, हरिकेश पाठक, सिद्दीक शेख, प्रद्युम्न कुमार सिंह सिंटू, विकास कुमार चौधरी, नरोत्तम सिंह मुंडा, निरंजन कुमार डेर, सुमन कुमार सिंह, बिलाल अहमद, भागवत तिवारी, वीरेंद्र राय, मोहम्मद शकील ने मांग की कि बिहार नियोजित शिक्षक नियुक्ति नियमावली की तरह टेट सीटेट आकलन उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों को वेतनमान न देने की स्थिति में वेतनमान के समतुल मानदेय का लाभ दिया जाए। जरूरी है, बार बार बैठक करके सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, एक स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए ना। सहायक अध्यापकों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ बिल्कुल मिलना चाहिए। वर्तमान में जारी सहायक आचार नियुक्ति प्रक्रिया में पहले 6-8 क्लास और बाद में 1-5 में नियुक्ति की जाए, अच्छी पहल है। जो काम कर रहे हैं उनको तो पहले प्राथमिकता मिलना ही चाहिए, ताकि अधिकतम सहायक अध्यापकों को लाभ मिले। आकलन परीक्षा के प्रश्नों के त्रुटिपूर्ण उत्तर के संशोधित परिणाम यथाशीघ्र जारी किए जाएं। इसके बाद आकलन उत्तीर्णता के प्रमाण पत्र और द्वितीय आकलन परीक्षा आयोजित की जाए। दूसरी आकलन परीक्षा में EWS और दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार अंकों का अधिभार दिया जाए। सहायक अध्यापकों के आश्रितों को योग्यता अनुरूप अनुकंपा लाभ दिया जाए, अच्छी पहल है। अनुकंपा सब में मिलता है तो इसमें मिलना चाहिए। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की तरह से अवनिवृत्ति की आयु 62 वर्ष की जाए, 62 वर्ष करना चाहिए, क्योंकि आंगनबाड़ी को जब दे रहे हैं तो इन लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं। 2013 और 16 के जेटेट और सीटेट की तरह 2024 में आयोजित जेटेट में भी सभी विषयों में यानी उत्तीर्णता की अंक की बाध्यता समाप्त किया जाना चाहिए। कहने का मतलब खंड वाइज जो पासिंग मार्क है उसको समाप्त करना चाहिए, और सहायक अध्यापकों को कार्यानुभव का वेटेज दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुख्य पॉइंट यही है। यहाँ जितना भी है उसमें एक नंबर 10, अगर 10 में कितना मार्क्स बोलिएगा तो 10 में 10 मैं इसको दूंगा। क्यों? कि कार्यानुभव का वेटेज देना चाहिए, और सरकार ये कर रही है, किसी को दे रही है, इन लोग को नहीं दे रही है। जैसे जेटेट का भी परीक्षा हो रहा है तो ये लोग जो हैं यानी पारा टीचर, इसको कार्यानुभव का अनुभव का मार्क्स जोड़िए, बिल्कुल जोड़िए। इस पर जोर शोर से एकदम आंदोलन करना चाहिए इन लोग को। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
सरकार अभी 24 जिला में चौकीदारों की पोस्टिंग हो रही है, 2400 जिला में हो रही है, और 2400 जिला में वेटेज दिया जा रहा है। क्या वेटेज दिया जा रहा है दोस्तों, अगर नहीं मालूम है तो जान लीजिए, और मालूम है तो और बढ़िया। चौकीदार का जो बहाली हो रही है, कार्यानुभव का वेटेज दिया जा रहा है, उसमें देखिए चौकीदार के बहाली में सबसे पहले रिटेन होगा, रिटेन का मार्क्स प्लस फिजिकल परीक्षण या फिजिकल टेस्ट बोलिए, जो दौड़ के आएगा उसका मार्क्स दोनों ऐड होगा फ्रेश कैंडिडेट के लिए, सीधी बहाली के। और जो पहले से काम कर रहे हैं चौकीदार, पहले से जो काम कर रहा है उसका है पर ईयर 2 पॉइंट, और वो मेरिट में जुटेगा प्रत्येक साल 2, और वो मेरिट में अगर, और वो भी मैक्सिमम 20 पॉइंट तक लेना है, मतलब अगर 10 साल काम किया है तो 20 मार्क्स उसका जुटेगा, 5 साल काम किया है तो 10 मार्क्स जुटेगा, 11 साल काम किया है तो भी 20, 15 साल काम किया है तो भी 20, कहने का मतलब 20 फिक्स पॉइंट है, और पूर्ण वर्ष में होना चाहिए एक्सपीरियंस, यानी काम किया हुआ उसका पूर्ण वर्ष में, अगर 9.5 साल है तो 9 × 18 ही जुटेगा, आधा का नहीं जुटेगा। तो वैसे ही पारा शिक्षकों को जिसका जितना है उसको 2 पॉइंट दे दीजिए, कोई 10 साल काम किया है 20 अंक दे दीजिए, और उधर जेटेड में जो आएगा उसको जोड़ दीजिए, और जो मेरिट बनेगा आपका जब काउंसिलिंग में उसको जोड़ दीजिए उसका कार्यानुभव को, जैसे कि अभी तो चौकीदार वाला में जुट रहा है, जैसे फ्रेश का जुट रहा है लिखित और फिजिकल टेस्ट, और चौकीदार का जुटेगा लिखित फिजिकल और वेटेज, तीनों जुट रहा है। इसका मैं एग्जाम्पल आप लोग को बता दे रहा हूँ, जो नहीं जानते हैं उसको बढ़िया सुन लीजिए, और वीडियो में अपडेट बन रही है और बने रही है, बहुत बिग अपडेट है और बहुत बहुत बड़ा अच्छा न्यूज है। ये जो मामला उठाए हैं ना आप लोग, इसको एकदम तूल पकड़िए, इसी में आप लोग सब पारा टीचर सब एकदम सरकारी बन जाएंगे, एकदम आराम से घुस जाएंगे, सरकार को उतना हाथ गोड़ जोड़ने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, अपने वो करेगा। आप इसका नियम बनवाए, आप उदाहरण दीजिए कि चौकीदार को आप ले रहे हैं ना, तो पर ईयर का 2 पॉइंट दीजिए, तो मान लीजिए उधर आपका टोटल 100 में सब जोड़ के मान लो, मान लीजिए कि 60 नंबर आया, और इसमें 10 साल काम किया है, और चौकीदारे वाला लेते हैं तो मैक्सिमम 20 पॉइंट है, तो 20 जोड़ जाएगा 60 दो 80 हो जाएगा। अब तो आराम से आप लोग का कहने का मतलब, एक दो परीक्षा में काउंसिलिंग में आप लोग टोटल जितना पारा टीचर है सबका हो जाएगा। इसको जो है ये जो चौकीदार का बहाली हो रहा है वो भी तो हाईकोर्ट के आदेशानुसार हो रहा है, आप लोग इसको पकड़िए इसको, और उसका उदाहरण दीजिए और लीजिए वेटेज फटाफट फटाफट, जितने पारा टीचर हैं आप एकदम फटाफट फटाफट, आप लोग का जैसे एक इधर नहीं चला था खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट खटाखट खटाखट बटन दबाए और फटाफट फटाफट खाता में पैसा लीजिए, वही खटाखट खटाखट कर दीजिए फटाफट फटाफट आप लोग का काम हो जाएगा, एकदम बहुत बिग अपडेट है। चलिए इसलिए इसके लिए संघ को मेरे तरफ से भी धन्यवाद है, जो स्वागत है वो कार्यानुभव वेटेज जो है ये नया पॉइंट बहुत अच्छा जोड़े हैं। वार्ता में तय समझौते के अनुरूप कल्याण कोष में अतिरिक्त 20 करोड़ राशि देने के साथ साथ मृत और सेवानिवृत्त सहायक अध्यापकों के परिजनों को लाभ देने मेडिकल की सुविधा प्रदान की जाए, शहरी और अधिसूचित क्षेत्र के सहायक अध्यापकों को 4% वार्षिक वृद्धि का लाभ दिया जाए। सही बात है, राज्य के सभी सहायक अध्यापकों को वार्षिक सेवा संपुष्टि के बाध्यता से मुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों को अब आश्वासन के स्थान पर ठोस कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। एकदम फटाफट तेज कीजिए, आप कार्यानुभव को पकड़ रखिए, और ये कार्यानुभव का आप हर जगह इसका फायदा लीजिए, जहाँ काउंसिलिंग हो गया पर आप लोग फिक्स कर दीजिए 30 पॉइंट 20 पॉइंट या मैक्सिमम को फिक्स हो जाएगा, पर ये आप कर लीजिए चौकीदार वाला में जैसे एक साल में 2 पॉइंट और मैक्सिमम 20, जो 10 साल का 20 पॉइंट जुटेगा, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो कार्यानुभव आप ही को मिलेगा, आपके सिवा किसी को नहीं मिलेगा, जो फ्रेश रहेगा उसको नहीं मिलेगा, आप लोग का सबका हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो जोहार जय हिंद दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, लाइक आप लोग नहीं करते हैं, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है और वीडियो बनाने का अच्छा मन करता है कि लगता है हाँ जो भी है बना है वीडियो लोग लाइक कर रहे हैं, लेकिन एकदम लाइक नहीं करते हैं। जय हिंद जोहार झारखंड।